उसने सवारने में लोगों को लंच का ख्याल थोड़ी ना रहता है। उसने कहाँ सवारा है, आज तो सिर्फ बाल सवारे हैं। हाँ तो बाल भी हुस्न में आता है। Guys, welcome back to the channel and welcome back to a new vlog. And sorry guys, late upload के लिए हम लोग इतना late upload क्यों कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को रास्ते में जाते हुए अब बताऊंगी। और मैं अभी कहाँ जा रही हूँ, चलिए वो भी जाते हुए आप लोगों के साथ शेयर करूँ। So guys, अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। एक्चुअली मुझे ना कुछ हेयर ट्रीटमेंट करवाने हैं क्योंकि मेरे बाल जो है थोड़े से फ्रिजी है अभी तक। मैं बॉडी शॉप का जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ कर रही हूँ, पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं मेरे बाल, लेकिन स्टिल इट्स नॉट लुक नाइस जैसा मैं चाहती हूँ। ऐसा रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, तो मैंने सोचा है कि इस बार कुछ ट्रीटमेंट करवा लूँ। क्योंकि अगर आपके बाल सही नहीं हैं तो आप कितने भी अच्छे कपड़े क्यों ना पहन लो, आप अच्छे नहीं दिखोगे। तो शायद ट्रीटमेंट हो नहीं पाएगा क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिया है। बेसिकली मैं जा रही हूँ कंसल्ट करने के लिए कि कौन सा ट्रीटमेंट मेरे बालों के लिए अच्छा रहेगा, फिर अगर वो कुछ अच्छा सजेस्ट करेंगे और मुझे भी वो पसंद आ जाए तो, और अगर मुझे आज ही अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मैं वो ट्रीटमेंट करवा लूँगी, और अगर आज ट्रीटमेंट ना हो पाए तो वहाँ से मैं चली जाऊँगी शॉपिंग के लिए। पार्लर के बारे में मैंने काफ़ी सुना है और इनके जो फेसबुक पेज है ना वहाँ पर इन लोगों का रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है, तो वहीं पर जा रही हूँ। देखते हैं कैसा है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो गाइज, जैसे कि मैं बता रही थी कि आजकल हम लोग बिल्कुल ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्यों वो मैं आपको जाते हुए बताऊँगी। तो बात ये है कि पहले तो मुझे और सौरभ हम दोनों को कोविड हो गया, तो उसके वजह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। इतना ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था ना कि हम दोनों कुछ कर नहीं पा रहे थे, ब्लॉगिंग वगैरह तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। किसी तरह सौरभ ऑफिस जा रहा है, अब ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो भी बोल रहा है कि उसे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। छोटी छोटी काम जो मतलब वो परफेक्टली कर लेता है जिसमें उससे कभी गलती नहीं होती, वो सारी चीज़ें भी कैसा उससे हो नहीं रहा है। मेरे साथ भी अभी भी ऐसा है कि बात करने में मुझे अभी भी थोड़ा तकलीफ़ होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा चल के आई हूँ और मेरी सांस जो है अभी फूल रही है, तो मैं ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो यही वजह है बेसिकली कि हम दोनों अभी ब्लॉगिंग करना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। देखिए मेरी आँखों में आंसू आ गए। हमारे फैमिली में कोई करीबी जो रिश्तेदार है वो गुजर गए हैं, और उस वजह से हम दोनों ने कुछ दिनों के लिए इसको ऑफ किया क्योंकि मन भी अच्छा नहीं था। मेरी एक आंटी है, वो तो उसको हम कहते हैं बंगाली में पीशी, मतलब पापा के जो बहन होते हैं उसको पीशी कहते हैं। तो ये एक्चुअली मेरी सगी वाली आंटी तो नहीं है, मतलब मेरी पापा की सगी बहन नहीं है, लेकिन थोड़ी दूर की रिश्तेदार थी वो। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत दूर की रिश्तेदार हो या फिर अपनी, वो फ़र्क नहीं पड़ता, किसी किसी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। तो मेरे साथ इस आंटी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और मैं क्या बोलूँ, कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था उनके गुजरने के बाद। मैं थोड़ा टूट गई थी कुछ दिनों तक, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। Thank you.
मैं तो गई थी वैसे नॉर्मल पार्लर में थोड़ा बात करने, पूछने कि कौन सा ट्रीटमेंट मेरे ऊपर सही रहेगा. लेकिन वहाँ पे जाने के बाद ट्रीटमेंट करके आ गई, किसी तरह मैनेज हो गया टाइम. और अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए, और सौरभ भी ऑफिस से आने वाला है. एक्चुअली ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम निकल चुका है और अभी शाम हो गई है. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you there? कि आज हम साथ में आएंगे. सौरभ वैसे ही नॉर्मली ऑफिस से घर जाने वाला था, और मैं तो दोपहर को निकली थी कि पहले ट्रीटमेंट के लिए पूछ लूँगी, उसके बाद शॉपिंग करके घर पहुँच जाऊँगी. लेकिन लेट हो गया, इसीलिए साथ में आ गए. अभी सौरभ आ गया है और साथ में अभी थोड़ा शॉपिंग किया. और इसने आज का लंच भी मिस कर दिया है पूरी तरीके से. हाँ, तो इसलिए भूख भी से लग गई, तो हम सोचे पहले बैठ के कुछ खा लेते हैं. अभी मेरा प्लान था कि मैं घर जाके लंच करूंगी, तो आप सोच सकते हो कि कितना लेट हो गया है. वैसे अपना हुस्न संवारने में लोगों को लंच का ख्याल थोड़ी ना रहता है. हुस्न कहाँ संवारा है, आज तो सिर्फ बाल संवारे हैं. हाँ, तो बाल भी हुस्न में आता है. तो अभी हम थोड़ा पेट पूजा कर ले, फिर आपसे बात कर ले. घर पहुंचे हैं, और पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दूं कि मैंने आज क्या लिया है, शॉपिंग क्या किया है, ये दिखा देती हूँ. वैसे जो हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने ओथ लिया था कि मैं शॉपिंग नहीं करूंगी कम से कम दिसंबर तक. लेकिन अभी क्या है ना, हर तरफ सेल चल रहा है और इतने अच्छे प्राइस में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई. मैंने सोचा कि चलो कम से कम एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ अच्छा डील मिल जाए तो इसलिए मैं चली गई. और अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो मैंने ये लिया है फॉरएवर 21 से. ये तो जब मैं पहनूंगी तब आपको पता चलेगा कि कैसा है. और वैसे इस पे भी सेल था, मुझे ये सिर्फ 50 dirham में मिला है, काफ़ी सस्ता मिला है एक्चुअली. और मैं गई थी बाथ एंड बॉडी वॉश में, यहाँ से मैंने हाँ ये शावर जेल लिया है. और इसके साथ ये बॉडी लोशन लिया है. एक्चुअली वहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री था, तो ये खरीदा है तो उसके साथ ये फ्री मिला है, या फिर ये खरीदा है तो इसके साथ ये फ्री मिला है, कुछ भी समझ लीजिए. सेम प्राइस है 70 dirham एक, लेकिन एक का पे करना पड़ा, दूसरा फ्री मिला है.
तो मैं आपको अभी वो सैलून के बारे में बता देती हूँ। ये है मीराज सैलून और ये है करामा में, और इस सैलून का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। काफ़ी अच्छा है उनका सर्विस और रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो। और एक बात, आप वहाँ पे जाके ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, वो तो लकीली आज मुझे मिल गया। ऐसे नहीं मिलता, आप लोगों को पहले वहाँ पे कॉल करके फिर अपॉइंटमेंट बुक करके फिर जाना पड़ेगा। ऐसे ही जाके आप कोई भी ट्रीटमेंट या फिर कोई भी सर्विस नहीं ले सकते। मैं तो वहाँ पे आज पूछने गई थी और उस समय कोई कस्टमर नहीं था, इसीलिए मुझे मिल गया। लेकिन अगर आप कहीं वहाँ पे चले गए और वहाँ पे वो लोग बिजी रहे तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करके फिर ही जाना। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं।